छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमर चैनल ला सब्सक्राइब करो बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहू। हरचन ऐसी बीच भी बेहद दुखद खबर सामने आ रही और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही मुंबई से, जहां पर मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने घर पर ही फांसी लगाकर जान दे दी है। ये बेहद ही चौंकाने वाली खबर है, वो भी मुंबई से। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है, बताया जा रहा है कि अपने घर पर ही फांसी लगाई है। तो ये बेहद ही चौंकाने वाली खबर है, मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने घर पर ही फांसी लगाकर जान दे दी है। अभी तक उनके इस फैसले के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के बेहद लोकप्रिय एक्टर थे। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत टीवी एक्टर के तौर पर की थी। उन्होंने सबसे पहले किस देश में है मेरा दिल नाम के धारावाहिक के काम किया था, पर उन्हें पहचान एकता कपूर के धारावाहिक पवित्र रिश्ता से मिली। इसके बाद उन्होंने फिल्मों का सफर शुरू किया था। वे फिल्म काय पोछे में लीड एक्टर के तौर पर नजर आए थे और उनके अभिनय की तारीफ हुई थी। इसके बाद वो शुद्ध देसी रोमांस में वाणी कपूर और परिणीति चोपड़ा के साथ दिखे थे। हालांकि उन्होंने सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभा कर बटोरी थी। ये सुशांत सिंह कैरियर की पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का कलेक्शन भी किया था। सुशांत सिंह इसके अलावा कई अहम फिल्मों में नजर आए हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों ने इस दुनिया को अलविदा कहा है। फिर से एक बार ये बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है। अप्रैल महीने में इरफान खान और ऋषि कपूर जैसे लेजेंडरी कलाकारों का निधन हुआ था। वहीं हाल ही में सिंगर और म्यूजिक कंपोजर वाजिद खान का 42 साल की उम्र में निधन हुआ था। और इसके अलावा पिछले महीने वरिष्ठ गीतकार योगेश गौर भी इस दुनिया को अलविदा कर चुके हैं। लेकिन ये बेहद चौंकाने वाली खबर है कि एक युवा और दमदार कलाकार बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अब दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने मुंबई में अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी है।